बात कार्डिक अरेस्ट से शुरू होकर शराब पीने और बाटर में डूबने तक पहुंच गई। आइए देखते हैं श्रीदेवी के मौत के पीछे की सबसे रहस्यमय स्टोरी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए। इस बार ऐसा वैसा बयान नहीं, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी को लेकर बेतु का बयान देकर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अभिनेत्री श्रीदेवी के कथित नाजायज संबंध को लेकर उनके मौत पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने कहा कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने ये भी कहा कि अभिनेत्री शराब नहीं पीती थी बल्कि बियर पीती थी। जब वो शराब नहीं पीती थी तो उनके शरीर में उसके अंश कैसे पाए गए। वही स्वामी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र करते हुए कहा कि अभिनेत्रियों से दाऊद के नाजायज रिश्तों पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि श्रीदेवी जिस होटल में थी उसके सीसीटीवी को क्या हुआ है, इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि बाथटब में डूबकर मरना संभव नहीं लगता है। आपको बता दें, सोमवार शाम को दुबई पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि श्रीदेवी की मौत होटल के कमरे में बाथरूम में अचेत अवस्था में टब में डूबने से हुई है। इस सवाल के पीछे बोनी कपूर के लिए बड़ी मुसीबत साबित कर सकता है। दरअसल श्रीदेवी दुबई में अपने भांजे मोहित मारवा की शादी पर गई थी। यदि बोनी कपूर अपने भांजे की शादी में श्रीदेवी और छोटी बेटी के साथ दुबई गए थे तो शादी खत्म होते ही वापस मुंबई क्यों आ गए? आखिर वो एक दिन के लिए श्रीदेवी को छोड़कर वापस क्यों चले गए? फिर वापस श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए मुंबई से दुबई क्यों चले गए? वही कई डॉक्टर्स ने सवाल भी उठाया है कि अगर बाथटब में गिरने से उनकी मौत हुई है तो श्रीदेवी की बॉडी पर खराज के निशान क्यों नहीं है? आखिर श्रीदेवी ने कितनी शराब पी रखी थी कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था? क्योंकि उनके फैमिली फ्रेंड अमर सिंह ने बताया कि श्रीदेवी कभी हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थी। हालांकि पब्लिक की कभी कभार वाइन का सेवन कर लेती थी। तो क्या ये संभव है कि किसी ने श्रीदेवी को फोर्सफुली शराब पिलाई हो और बाथटब में फेंक दिया हो? वही बाथरूम में श्रीदेवी के घुसने से पहले बाथटब में पानी क्यों भरा हुआ था? क्या जानबूझकर बाथटब में पानी भरा गया था? जांच में पता चला कि बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर्स को फोन लगाने के बजाय दोस्त को कॉल किया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाथटब में डूबने से मौत की बात समझ से परे है, क्योंकि वो बाथटब था, कोई स्विमिंग पूल नहीं था जिसमें एक नॉर्मल इंसान गिरकर उठ न पाए। वही भांजी की शादी खत्म होते ही श्रीदेवी अपनी बहन के साथ दुबई में रुक गई थी। वो अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी बीते 48 घंटों से होटल से बाहर नहीं निकली। जब रात 9 बजे श्रीदेवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो फिर सारी दुनिया को ये खबर आधी रात को क्यों बताई गई? हालांकि होटल स्टाफ ने बातचीत में बताया करीब रात 10:30 बजे श्रीदेवी ने पानी ऑर्डर किया था। सर्वर करीब 15 मिनट में रूम पर पहुंचा, उसने डोरबेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में किसी अनहोनी की शंका के चलते उसने होटल का अलार्म बटन दबा दिया और दरवाजा तोड़ दिया। श्रीदेवी बाथरूम फ्लोर पर गिरी पड़ी थी, उनकी पल्स चल रही थी। उस समय 11 बज रहे थे। ऐसे में होटल स्टाफ का एक बयान एक मिस्ट्री को जन्म देता है। इस पूरे बयान में बोनी कपूर क्यों गायब है? मंगलवार को दुबई से मुंबई उनका पार्थिव शरीर लाया जा सकता है। मुंबई स्थित भाग्य बंगलों में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अंतिम संस्कार मुंबई के विल्ले पार्ले स्थित पवन हंस मुक्ति धाम में किया जाएगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक विदय में इस्तेमाल होने वाली हर चीज सफेद रंग की होगी। HCN न्यूज की रिपोर्ट।